हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा मीनल्स किचन एंड मोर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रवा पॉकेट बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनाने वाले हैं और ये बच्चों को तो पसंद आएगा ही, साथ में बड़े भी बड़े चाव से खाने वाले हैं। सो इसको बनाना जितना आसान है उतना खाने में भी बहुत ही टेस्टी है और आप इसको पॉकेट्स को बना के रख सकते हो एक दो घंटे पहले अगर आपके कोई गेस्ट आने वाले हैं, देन यू कैन मेक इट शैलो फ्राई इट। सो लेट्स सी इसको कैसे बनाते हैं और इसको कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम रवा लेंगे। 1.5 कप रवा लिया है यहाँ पर मैंने, और इसमें ये मैं ग्राइंडेड या फिर आप बोल सकते हैं ब्लेंडेड कर्ड इसमें डालूंगी 1 कप जितना। उसको एकदम अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे साइड में रख लेंगे। अगर आपको इसमें थिकनेस लग रही है तो आप इसमें और पानी भी ऐड कर सकते हो और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मसाला बनाने के लिए हम 1 टेबल स्पून जितना ऑयल लेंगे और गर्म होने पर उसमें 1/2 टेबल स्पून जितना जीरा डालेंगे और 1/4 टेबल स्पून हींग डालेंगे। उसमें एक एक मैंने अदरक और लहसुन लिया है 1/1 टेबल स्पून जितना। उसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे और वो इसमें मिक्स कर लेंगे और उसको 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद एक चॉप्ड मिर्ची ली है, हरी मिर्च एकदम बारीक काटी हुई, वो भी इसमें मिक्स कर लेंगे और उसको एकदम अच्छे से पकने देंगे 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पे। अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, मीडियम साइज का लिया है मैंने, और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है। जब ये पक जाए तब हम इसमें एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे, 1 कप जितनी डालनी है हमें, और ये मैंने कुछ मटर लिए हैं 1/2 कप जितने, वो भी इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर लाल मिर्ची पाउडर 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, अमचूर पाउडर 1/4 टेबल स्पून और आखिर में चाट मसाला 1/4 टेबल स्पून। अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पर मैंने शुगर ली है 1/2 टेबल स्पून जितनी, ये ऑप्शनल है, अगर आप स्वीट खाना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं डालोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पर मैंने कुछ आलू लिए हैं, 4 आलू लिए हैं मीडियम साइज के, जिनको मैंने बॉईल कर लिया और मैश कर लिया अच्छे से, वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे। एकदम अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें फ्रेश धनिया पत्ता डालेंगे 1/4 कप जितना और इसको एकदम अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक मीडियम स्लो फ्लेम पे पकाना है। फ्रेंड्स, मसाला तैयार हो चुका है, फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हम फिर से हमारे बैटर की तरफ आएंगे। ये देखिए, बैटर को हमने 15 मिनट्स तक भिगो के रखा था। अब हम इसको एक जार में डाल देंगे क्योंकि हम इसको ग्राइंड करने वाले हैं, एकदम पतला पेस्ट बनाना है। सो जार में डाल के इसमें पानी भी डालेंगे, लगभग 1 ग्लास जितना मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, और इसको एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, ग्राइंड हो चुका है, बट अभी भी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक है, तो इसमें थोड़ा सा और पानी मैं डालूंगी 1/2 ग्लास जितना। इसको हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कंसिस्टेंसी पतली हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे स्वादानुसार, और इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, भुना जीरा पाउडर, और धनिया पत्ता डालेंगे। फ्रेंड्स, बैटर को हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम पतला बैटर तैयार हो चुका है। अब हम एक तवा लेंगे, उसको प्री हीट करना है मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, और उस पर हम ये बैटर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। एकदम पतली शीट बनानी है और एक तरफ पक जाता है उसको ग्रीस कर लीजिए, ऑयल या घी से आप ग्रीस कर सकते हो, और फ्लिप ओवर कीजिए, उसको दोनों तरफ से पकाना है हमें। फ्रेंड्स, एक बात तो मैं आपको याद दिलाऊंगी ही, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है और एक बार ही करना है आपको, और इससे मेरी जितने भी अपलोड्स है आपको मिल जाएंगे, नई नई रेसिपीज मिलेगी। ये देखिए, हमारी शीट एकदम तैयार हो चुकी है, बहुत सारी बना दी है हमने। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक शीट ले ली है और इस पर मैं पिज्जा सॉस डालूंगी, उसको एकदम अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी।
और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सॉस लिया है, सॉस को भी मैं इस पर एकदम अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला डालूंगी, और मसाला को सेंटर में ही मैंने डाला है और उसके दो कॉर्नर्स एकदम अच्छे से स्टिक कर लूंगी। और उसके ऊपर ही मैं थोड़ा सा और मसाला स्प्रेड करूंगी ताकि दूसरे दो कॉर्नर्स भी एकदम अच्छे से इस पर स्टिक हो जाए। तो ये देखिए, हमने अपना एक पॉकेट तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी शीट ली है, इस पर भी मैं पिज्जा सॉस स्प्रेड करूंगी, इस पर थोड़ा सा सॉस डालूंगी, उसको भी एकदम अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा चीज ग्रेट करूंगी, आप चाहो तो बहुत सारा कर सकते हो। इस पर मैं फिर से मसाला डालूंगी और ये ऑरिगेनो है थोड़ा, उसको स्प्रिंकल करूंगी। देन इसके कॉर्नर्स में अच्छे से फोल्ड कर लूंगी चारों कॉर्नर्स। तो ये हमारा दूसरा वाला पॉकेट भी तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमने और भी पॉकेट्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए मैं तवे को ग्रीस कर लूंगी ऑयल या फिर घी से, और चार चार पॉकेट्स में एक साथ शैलो फ्राई करूंगी। आप मीडियम फ्लेम पे ही इसको शैलो फ्राई कीजिए, और दोनों तरफ से इसको फ्राई करना है और ग्रीस करते हुए इसको टर्न ओवर करना है, दोनों तरफ से अच्छे से पकाना है इसको। सो देखिए, हमारा बहुत ही लाजवाब रवा पॉकेट तैयार हो चुका है। दो वेराइटी हमने यहाँ पर बनाई है, आई होप आपको दोनों ही बहुत ही पसंद आएंगे। सो एंजॉय दिस। थैंक यू।